हेलो गाइस, क्या आप लोग भी कहीं पे कॉल करते हैं तो आप लोग का डिस्प्ले लाइट बंद हो जाता है? अगर ऐसा बात है तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाता है कॉलिंग के दौरान। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को कैसे ठीक करना है इस प्रॉब्लम को, अगर आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो। दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम आने का रीज़न क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आने का सिर्फ दो रीज़न होता है। पहला, अगर आपके फ़ोन की प्रॉक्सिमिटी सेंसर में कोई डैमेज आए हैं, कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि कुछ भी हो गया है तब ये प्रॉब्लम आएगी। और जो दूसरा रीज़न है गाइस, वो ये है कि अगर आप लोग डायल पैड में कोई ऐसा सेटिंग किए हो जिससे कि ये प्रॉब्लम आते हो तब ये आएगी। ठीक है, खैर ये प्रॉब्लम तो आ ही गई है। आप लोग कैसे इसे ठीक कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप लोग कैसे सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले जाना होगा अपने डायल पैड में। ठीक है, आप लोग डायल पैड में जा सकते हो या फिर आप लोग सेटिंग में जाके प्रॉक्सिमिटी सेंसर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सेटिंग यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा कॉल स्क्रीन सेटिंग का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखने को मिल जाता है टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर को, यहाँ पे जो दिख रहा है ना टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसे आप लोग को बंद कर देना है। जैसे आप लोग बंद कीजिएगा, आप लोग को जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और आप जब भी कॉल करोगे तो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो वीडियो बस इतना ही, बाय बाय।